देवास जिले के किसानों की समस्या थमने का नाम ही नहीं ले रही है। बोवनी के बाद बारिश नहीं होने से किसान परेशान था। बारिश की लंबी खींच के करीब 22 दिन के बाद बारिश हुई, जिससे फसल को जीवन दान मिला। अब उसी फसल में अफलन की स्थिति ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। अपनी फसल को संवारने में किसानों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अफलन की स्थिति के बाद किसानों की मोह भंग हो रहा है। सोयाबीन की फसल में फूल एवं फल नहीं आने की समस्या से लेकर किसान चिंतित एवं परेशान है। देवास जिले के बागली कनौद व खाते गांव क्षेत्र में सोयाबीन फसल की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। सोयाबीन की फसल में फूल एवं फल नहीं आने की समस्या को लेकर चिंतित किसान एसडीएम कार्यालय पहुंचे। भारतीय किसान संघ के बैनर तले मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन तहसीलदार को दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात रखते हुए किसानों ने कहा कि खरीफ सीजन की मुख्य फसल सोयाबीन में अफलन होने के कारण किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। फसल में फूल और फल दोनों ही नहीं है और फल आने के समय भी निकल चुका है। ऐसे में फसल से लागत भी निकलना मुश्किल है, इसलिए क्षेत्र में सर्वे करवाकर उचित मुआवजा व फसल बीमे का लाभ दिया जाने की मांग की गई है। इस वर्ष किसानों द्वारा समय पर ही सोयाबीन की बोनी की गई और समय समय पर निंदाई कुदाई कर एवं खाद बीज दवाई छिड़काव किया गया। किसानों ने फसल में सारे खर्च मेहनत करने के बाद भी मौसम की मार से सोयाबीन में फलियाँ नहीं आई, इस कारण किसानों को बहुत ही आर्थिक हानि हुई। इसीलिए किसानों में निराशा उत्पन्न हो रही है, व्याप्त हो रही है। अब किसानों को शासन प्रशासन पर ही राहत की आशा है। अतः महोदय से निवेदन है कि सोयाबीन एवं मक्के में अफलन का तुरंत नज़र सर्वे कराकर कंडिका 6-4 के तहत। आज हमने भारतीय किसान संघ तहसील बागली विकासखंड ने सोयाबीन फसल को लेकर तहसीलदार को मुख्यमंत्री नाम ज्ञापन दिया। क्षेत्र में बागली एवं हड़लिया तहसील के सभी गांवों में करीब करीब सोयाबीन फसल में अफलन जैसी स्थिति बन रही है। 25 दिन की वर्षा की अधिक खेत होने के कारण ऐसी स्थिति बनी। हमने प्रशासन से मांग की है कि इसका जल्द सर्वे कराकर राहत राशि एवं। आज आपका यहाँ आना कैसे हुआ विधायक जी? मुझे कल से किसानों के फोन आ रहे थे कि विधायक जी हमारी सोयाबीन की फसल खराब हो गई है। बहुत अच्छा पौधा खड़ा हुआ है, लेकिन हमने दवाई भी दी, खाद भी दिया, उसके बाद भी उसमें फल नहीं बैठा है। ये आसपास के 15-20 गांवों में इस तरह की समस्या देखने के लिए मुझे मिली है। कुस्मानिया, भिलाई, नांदौन, डाबरी, सिया, कीटिया और भी आगे तक ये समस्या हो सकती है। इस बार बारिश अच्छी हुई थी तो फसल अच्छी आने का अनुमान किसान भाइयों को था। महंगी दवाइयाँ कीटनाशकों का प्रयोग करके उसने अपनी फसल को खड़ा किया था, लेकिन अभी मैंने 2-3 खेत देखे हैं, फली बैठी नहीं है और कुछ पौधों में इक्का दुक्का फली बैठी है, उसमें बीज नहीं बैठा है। कुल मिला के हजारों किसानों का बहुत बड़ा नुकसान इस वर्ष प्रकृति की मार के कारण हो रहा है। हम जिला प्रशासन से मैंने बात की है, राजस्व विभाग के और कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारी मैदानी स्तर पर दौरा कर रहे हैं और खेतों में जितना नुकसान हुआ उसका आकलन करेंगे। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और कृषि मंत्री जी से मिलकर मांग करूंगा कि किसान भाइयों को मध्य प्रदेश की सरकार के माध्यम से सोयाबीन की नुकसानी का मुआवजा दिलाया जाए और किसान जो अपनी फसल बीमा की इंस्टॉलमेंट जमा करते हैं, क्योंकि उत्पादन ना के बराबर होगा, ना के बराबर जब बीज नहीं बैठा है या फली नहीं में दाना ही नहीं बैठा है तो उत्पादन होने की संभावना है ही नहीं। इसलिए 100% किसान भाइयों को फसल बीमा का लाभ भी इस बार नुकसानी के कारण दिलवाया जाए। मैं आज किसान भाइयों से भी मिला हूँ और किसान भाइयों के माध्यम से ही मैं जिला प्रशासन से और मध्य प्रदेश की सरकार से मांग करता हूँ कि किसान भाइयों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मध्य प्रदेश की सरकार को करना चाहिए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।